अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम तीन कंसेप्ट के मुतालिक बात करेंगे। एक तो ये मैंने बोला था कि ना इसके तीन मेथड्स आपसे डिस्कस करूंगा, दूसरा मैंने बोला था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के मुतालिक आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो आपका मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हम आते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरफ। इसमें से फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको कंसेप्ट तो दे दिया था, लेकिन क्या कि आज ना बाकायदा क्वेश्चन के साथ आके आपके मज़ीद जिन स्टूडेंट्स की वो इशू है तो वो फिर ना इससे उनके क्लैरिटी हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन के, अ कार कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर्स इन 40 मिनट्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 मिनट्स। मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक गाड़ी है, ठीक है, वो 40 मिनट में 20 किलोमीटर चल रही है, तो वो 8 मिनट में कितना मतलब चलेगी। जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें, ठीक है, वो काम नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे आगे, ठीक है, 40 मिनट में चला रही थी तो वो 20 किलोमीटर चली थी, तो 8 मिनटों की जाहिर सी बात है वो काम आ गई। तो इसीलिए ये ना, ठीक है, डायरेक्ट है, तो क्योंकि दोनों का ना मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही तरफ ना वर्क आ रही है। तो ये फिर हम ना इस तरह ना इक्वेशन बना के इसके ना, और फ्रेंड्स नीचे ये आप देख सकते हैं जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी मैंने लिखा हुआ है। तो मतलब अगर आप टेबल मानिए इधर से, अभी आप डायरेक्टली इसको इनको ना करके ना अपने टाइम बचाने के लिए, तो वो अपना, ठीक है, इसका निकाल सकते हैं बाकी इक्वेशन, ठीक है, आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ऑपोजिट होता है, इसमें डायरेक्ट नहीं होता। इसमें ना, ठीक है, अगर एक ना राइट की तरफ जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी काम हो रही है। जैसे क्वेश्चन पढ़े, 10 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 14 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 4 मैन टू कंप्लीट दिस जॉब। तो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर ना, ठीक है, एक जॉब को ना, ठीक है, वो 14 दिनों में बंदे कर रहे हैं, ठीक है, 10 बंदे, तो अभी वर्कर कम हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन लगेंगे। तो इसीलिए इन्वर्स है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। तो ये फिर, और ना इसी तरह ना, ये मैंने ये सिंबल इसीलिए लगाया हुआ ताकि ना ये आपको बताऊं कि ना ये बिल्कुल, अगर मतलब आपने टाइम बचाना है तो आप इसको बिल्कुल टेबल बना के ना, तो बिल्कुल डायरेक्टली से स्ट्रेट से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे 10 मल्टीप्लाई बाई 14, ये देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई 14, और 4 मल्टीप्लाई बाई x, ये देखें। फिर उसके बाद हमने x के निकाल लिया, 35 आता है। तो नीचे यहाँ पर मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम थ्री मेथड्स की तरफ, को इनको ना कैसे किया जाता है। तो पहला जो मेथड है ना, ठीक है, इसको मतलब जैसे एक वैल्यू है 10,000 है, तो उसको ना ए बी सी शेयर है और रेशियो भी उसने दी हुई है 2:5:3, इन तीनों के दरमियान डिवाइड करना है। लेकिन क्या कि इन तीन डिफरेंट मेथड्स है। एक पहला मेथड क्या कहता है कि हमें पता है यार कि ना 2 रेशियो है, ठीक है, उसको डिवाइड जो 10 करना है, क्योंकि ये 2+5+3 10 हो गया, मल्टीप्लाई विद 10,000। तो हमने उसको ना निकाल के बोला कि 1:2000 है। इसी तरह बी की 5 रेशियो लिखी, टोटल लिखी, रेशियो 10 डिवाइड किया, उससे मल्टीप्लाई 10,000 कर दिया, तो बी का निकाल लिया, इसी तरह सी का निकाल लिया शेयर। पहला मेथड तो ये है फ्रेंड्स। तो दूसरे मेथड में क्या करेंगे कि हमने बोला कि 10 पार्ट्स हैं, तो ना 10,000 टोटल है, तो करना, ठीक है, अगर एक पार्ट की हमने निकाल दिए, इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास आ जाएगा कि एक जो है ना, ठीक है, वो शेयर उसकी ना है ये 1,000 है। तो हमें पता चल गया कि अगर ना 1,000 है तो सिंपली अगर हमने बी को ना, ठीक है, 2 करना है तो ये 2,000 बनेगा, अगर सी को 5 देना है तो ये 5,000, और जो सी है उसको देना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1,000, और 3,000 हो गया। तो अच्छा फ्रेंड्स, तो लेट्स चलते हैं लास्ट मेथड की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ये इकट्ठे ना तीनों को लेके चलता है। इसमें ये देखें, ए रेशो बी रेशो सी लिखा, टोटल लिखी थी 10 है, फिर उनके रेशो सारी लिखी 2:5:3, फिर ये मल्टीप्लाई 10 जो आ गया हमने लास्ट मेथड में भी निकाला था ना, ये मतलब पर एक शेयर का वो कह रहे कि कितना हमने देना, वो उसी तरह ही उसने ना, ठीक है, निकाला है। वैसे तो सेम ही है, लेकिन क्या कि इधर मेथड 2 था, उसमें हम ना, ठीक है, इलादा कर रहे थे, पर इसमें क्या कि टाइम को ना उसने ज़्यादा इफेक्टिवली ना बचाने की कोशिश की, और साथ साथ लेके ना तीनों छः सिनेरियोस को चल रहा है ताकि ना ये टाइम के बचत हो सके। तो आपको फ्रेंड्स जो भी मेथड ईजी हो लगे तो आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।